रसूलुल्लाह। आज का बद्दी में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर कोयला उद्योग के मजदूरों ने अपनी चट्टानी एकता का प्रदर्शन करते हुए सारा कोयला उद्योग को बंद किया है। जारंगडी में अभी हम खड़े हैं, जारंगडी अंडरग्राउंड, जारंगडी ओपन कास्ट, रेलवे साइडिंग B&K रेलवे साइडिंग कथारा, रीजनल स्टोर B&K रीजनल स्टोर कथारा, आपको RR शॉप, ये सब जो है पूरा कथारा क्षेत्र एकदम मजदूरों ने अपनी चट्टानी एकता का प्रदर्शन करते हुए पूरा एरिया का चक्का जाम किया है। इसके लिए मैं मजदूरों को बधाई देता हूँ, सारे वैसे श्रमिक साथियों को जिन्होंने आज इस आंदोलन को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका लगाई है। कितने घंटे तक की बंदी है ये? 24 घंटा का है, 3 शिफ्ट का बंदी है, तीनों शिफ्ट बंद रहेगा। मजदूरों ने ललकारा है प्रबंधन को, अपनी चट्टानी एकता का प्रदर्शन किया है। अगर प्रबंधन इस ऐतिहासिक बंद में भी अगर झुकने का काम नहीं करेगा और मजदूरों की बात सुनने का काम नहीं करेगा तो आने वाले समय में हमारे जो संयुक्त मोर्चा के ट्रेड यूनियन के बड़े बड़े नेता और भी बड़े आंदोलन के लिए डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होंगे और हम सारे मजदूर उनके आह्वान पर एक साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये आज का जो हड़ताल है वो भी अवैध है और जो हड़ताल करने वाले लोग हैं JBCCI वो भी अवैध है, क्योंकि ये भारत जो है प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ हम लोग सरकार चुनते हैं, गिराते हैं 5 साल में वोट देके, लेकिन इन लोग को कोई वोट देके, कोई मजदूर वोट देके JBCCI का मेंबर बनाया नहीं। तो एक तो ये अलोकतांत्रिक है और कहीं कहीं पर इन लोग गुंडा उतार करके और उसमें पुलिस भी इन लोगों का मदद कर रहा है, इन लोगों का मिली 2 नंबर ही 60 गांठ है कुछ लोगों का, और पुलिस गुंडा और मैनेजमेंट का भी सहमति से कहीं कहीं पर, जैसे हाजरी इस इलाके में हाजरी बाबू नहीं आया है जो हाजरी लेने वाला है। मजदूर काम करने के लिए तैयार हैं, मजदूर आके बहुत सा चले गए और काम मैंने इन लोगों को नकारते हुए कई मजदूर खदान में जाके प्रोटेक्शन भी आप लोग दे रहे हैं, उन मजदूरों को हम बधाई देना चाहते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कि ये हड़ताल इसलिए नाजायज है कि जिस बोनस के सवाल पर इन लोग हड़ताल कर रहे हैं उस बोनस का फैसला इन लोग कर चुके हैं, पैसा भी पेमेंट ले चुका है मजदूर। जब पैसा पेमेंट ले चुका है मजदूर इसका मतलब इस बोनस को स्वीकार कर चुका है, इसका हड़ताल को नकार दिया है इन लोगों ने, लेकिन फिर भी ये दबंगई से इस इलाके में कुछ लोग दबंगियाँ गुंडई कर रहे हैं और इसके जवाब में मजदूर उठ खड़े हो रहे हैं, इसका जवाब करारा देंगे मजदूर। और ये हड़ताल पूर्णतः इन लोगों का विफल है और ये मजदूरों ने साबित कर दिया है कि इन लोगों का अब गुंडागर्दी या जमींदारी मजदूर सहने के लिए तैयार नहीं है। JBCCI का मतलब हम समझते हैं जेब में घुसा के रखने वाला CC, जो जेब में डाल के इन लोग मैनेजमेंट का जेब में बैठ के और CC का तरह रहता है और मैंने इस तरह का JB संगठन से इन लोग मैनेजमेंट का प्रतिनिधि है, इन लोग CCL का मैनेजमेंट भी इसमें पैक्ट है और इन लोग चाहता है कि कोयला क्षेत्र जो है निजीकरण में चला जाए, मजदूर बर्बाद हो जाए और गुलाम बन के रहे।
सरबजीत कुमार पांडे पूरी कर्मचारी संघ के संस्था सचिव कटारावासी के, और हम लोग ने जो आह्वान किया था 10 तारीख को मजदूरों का लेकर एक समस्या के बारे में और बोनस के संबंध में, वो जो है स्ट्राइक आज सक्सेसफुल रहा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और कुछ आदमी जो भ्रम फैलाए हैं कि नहीं स्ट्राइक जो है कि विफल हो गया है, स्ट्राइक वापस ले लिया गया है, कुछ आदमी ने वर्कर हाजिरी बनाया लेकिन मालूम चला कि नहीं स्ट्राइक सक्सेस है, स्ट्राइक चल रहा है, उसके बाद जो है टोटल वर्कर जो है हाजिरी बनाने के बाद भी अपने घर को प्रस्थान कर गए। मैं कमल कांत सिंह कटारावासी RCMS के असिस्टेंट सेक्रेटरी। हम लोग पूरी तरह से कटारावासी में बंद करा दिए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने के काम किया है और लोकल ठेकेदारी प्रथा का मजदूर को ले आकर कुछ काम काज में लगाया था। हम लोग रोक लगाए और लोडिंग स्टार्ट कराया था, वो भी बंद हो गई है। और हम लोग क्षेत्र में एरिया में और कथारा एरिया क्षेत्र में हम लोग घूम फिर के बंद कराए हैं। और हम लोग सभी श्रमिक संगठन के लोग ट्रेड यूनियन से जो बिलोंग करते हैं हम लोग साथ में हैं। और फिर 1:30 बजे से हम लोग पुनः कथारावासी में प्रवेश करेंगे और हाजिरी को रोक लगाएंगे। बंदी जो है वो ऐतिहासिक रहा, पांचों ट्रेड यूनियन एक मुश्त जो है पूरा एरिया को ठप कर दिया, कोई भी यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग नहीं हुई है और कथारावासरी भी एकदम हिला नहीं है, कथारा कुलेरी भी हिला नहीं है। जरंडी स्वांग GM यूनिट टोटल कम्प्लीटली जो है ठप है, कोई भी अपने काम में नहीं गए हैं। कुछ असामाजिक तत्वों को लेके कुछ क्षेत्रीय नेता लोग गए थे काम शुरू करने के लिए, लेकिन वो असफल रहे।